हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो अपना 12th फिजिक्स में चैप्टर 3 था वो कल की लाइव क्लास में समाप्त हो चुका था, और कि आज की इस क्लास में कल की थोड़ा सा लाइव क्लास जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। इसके लिए मैंने किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की लिंक दी है, उस टेलीग्राम को आप ऐड हो जाइए। उस पर आपको सभी प्रकार की PDF मिला करेंगी। प्रत्येक क्लास की PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। तो वो लगभग अपना जो विभव आप कल पढ़ा रहे थे वो लगभग खत्म हो गया था, उसमें थोड़ा सा बचा था, तो उसको मैंने आपको फोटो खींच के या PDF फोटो खींच के दे दिया करूंगा। तो आपको PDF बना लेना होगा, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा हाउ टू क्रिएट PDF कि आप PDF कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इतनी सी मदद मैं आपकी कर लूंगा। तो आप जैसे ही PDF पा जाया करिए पिक्चर, तो PDF आप क्रिएट कर लिया करिए, ठीक है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और दोस्तों आज हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का अपना ये लेक्चर फर्स्ट है और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करके 0 to high स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से सभी लोग लाइव जो जाइए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये मैं क्लास स्टार्ट करूं और आप लोग शेयर कर चुके तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी मत बोलना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 4 व 5 ohm यानी 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm या कह सकते हैं 2, 4, 5 ohm के प्रतिरोध किसी परिपथ में लगे हुए हैं, कोई एक परिपथ है उस पर लगे हुए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ये जो प्रतिरोध हैं वो किसी परिपथ में लगे हुए हैं, इनका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट में ज्ञात करना है श्रेणी क्रम और नंबर थर्ड में ज्ञात करना है समांतर क्रम। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है। तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, R बराबर होता है R1 + R2 + R3 .. जितने R आप ऐड कर दें उतने R यहाँ पे लिख दिए जाते हैं। अब बात आती है फर्स्ट की, बात करेंगे हम लोग श्रेणी क्रम की। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने प्रूव करवाया था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये अपना समांतर क्रम का फार्मूला होता है। दोस्तों मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ कि ये डेरिवेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, या तो ये डेरिवेशन या तो इसकी जो मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, मोस्ट और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। देख सकते हैं चित्र वाले न्यूमेरिकल आगे दिए गए, ये सारे के न्यूमेरिकल आज ही होंगे। तो आइए देखिए, देखते हैं श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ेंगे। तो मान लेते हैं पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2, तीसरा R3। तो पहले मान लेते हैं R1 = 2, R2 = 4, इसके बाद मान लेते हैं R3 = 5, इतना क्लियर। इसके बाद हमें निकालना है श्रेणी क्रम में, तो फर्स्ट में दिया श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। तो R1 कितना है 2 + R2 कितना है 4 + R3 कितना है 5, ठीक है। अब इनको सबको ऐड कर देंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 4 = 9, 2 = 11 ohm, ये कितना आ जाएगा 11 ohm, ओम जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये अपना निकल के आ गया श्रेणी क्रम में जब जुड़े होंगे ये किसी परिपथ में तब। अब जब हम बात करेंगे समांतर क्रम में जब ऐड होंगे, तो इनको मैं मान चुके हैं R1, R2, R3 ऐसे ही मानेंगे, तो इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 1/R = निकल आएगा 1/2 + 1/4 + 1/5। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर LCM ले लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 20। यहाँ पे जब LCM लेंगे तो 2 × 20 यानी कि 10 + 4 × 5 = 20 यानी कि 5 + 5 = 20 यानी कि 4। देखिए जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं जिन जो मैथ नहीं लिए उनके लिए मैं बता देता हूँ, इनका जो LCM है वो निकाल लिया जाता है। अगर LCM निकालना नहीं आता तो YouTube पर आप वीडियो देख लीजिए छोटी छोटी सी, और LCM निकालना और छोटी छोटी भिन्न हल करना ये आप सीख लीजिए बेसिक मेथड। अगर नहीं भी फिर भी करने में प्रॉब्लम जा रही है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग इनको ऐड कर देंगे 10, 5, 15, 4, 19, 19 बटे कितना हो जाएगा 20। अब ये दिया है 1/R = और हमें निकालना है R = तो हम इसे पलट दें तो R/1 हो जाएगा, ये 20/19 हो जाएगा। किसी भी चीज़ के किसी भी संख्या के बटे में अगर 1 होता है तो उसे 1 को हटा दिया जाता है, अपान हर संख्या में होता है। तो यहाँ से अगर मैं R = निकालूंगा तो ये निकल गया जाएगा 20/19। मतलब आप इतना याद कर लीजिए अगर बायोलॉजी वाले हैं कि जब संख्या को हम 1/R = लिखी हो तो R = के लिए संख्या पलट देते हैं, क्योंकि ये 1/ हो जाता है और 1 का कोई मतलब नीचे नहीं होता। तो ये देखिए निकला है समांतर क्रम में, ये निकला है श्रेणी क्रम में। अब बात आती है इस न्यूमेरिकल को मैंने रखा क्यों, मैंने इस न्यूमेरिकल को इसलिए रखा था ताकि आपके जो ये फार्मूले हैं ना यहीं से रिवाइज हो जाएं दोनों। अब ये फार्मूले आप यहीं से याद कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में हमको ए और बी के बीच में जो है प्रतिरोध ज्ञात करना है कि दोनों बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक तार को हम, ये देखिए यहाँ पे हम लोग एक तार में है, इस तार को दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी एक तार को हम लोग सीधा सीधा ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम होता है। अगर सपोज करो एक तार को हम लोग बांट देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, समांतर क्रम ऊपर नीचे। तो अगर आपने समांतर क्रम श्रेणी क्रम का डेरिवेशन नहीं देखा ना तो समझ में नहीं आएगा, अभी क्लियर कर देता हूं। इसलिए पहले जाइए और समांतर क्रम श्रेणी क्रम का डेरिवेशन क्लियर करिए, फिर इस पर आइए, आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए एक तार है, ये दो भागों में डिवाइड हो गया। जब दो भागों में डिवाइड हो गया मतलब ये इधर और ये इधर, ये दो भागों में डिवाइड होकर किस में आ गया, समांतर क्रम पे। तो यहां पे लिखेंगे चित्र में 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध। इतना आपको जरूर लिख देनी है थ्योरी, ये आपके एग्जाम पर 100% पूछे जाएंगे, आए भले 5 मार्क के, इसलिए मैंने लिखा है आज ही 5 नंबर पक्के करिए, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, इसका तो आर डैश मान लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि दो बार अभी हमें इसका निकालना पड़ेगा, फिर टोटल निकालना पड़ेगा, तो लास्ट में आर मानते हैं, पहले मान लेते हैं आर डैश। तो ये कायम बताया मैंने समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 जितने जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे 2 जुड़े हैं तो 1/r1 1/r2 में हम स्टॉप करेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1/r' बराबर ये 1/r1 और r2 की वैल्यू रख देंगे तो 2 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1/2 2 LCM आएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि जो हमारा प्रतिरोध होगा वो आ जाएगा 1/1। अब इसको पलट दीजिए तो r' बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1, ये 1 ओम क्या आ गया हमारे, कितने बीच का प्रतिरोध आ गया, इतने के बीच का प्रतिरोध आ गया, ठीक है, इतने के। इसको पॉइंट मान लेते हैं हम, कुछ डी मान लो, सी मान लो अगर मानना चाहते हो तो, लेकिन बुक में नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानना ना मानिए, ठीक। अब इसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ से तो हमारा तार एक हो गया, अब इस पे देखिए नक्शा क्या निकल के आएगा, इस तार में जो अलग था ना उस तार को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध लग गया। इसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा ये वाला, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एक तार है, इस तार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो जब इस तार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है मतलब ये 3 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध भी किस पर होंगे, समांतर क्रम पे होंगे। तो यहाँ फिर से आप लिखेंगे यही चित्र में 3 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा आपको, बार बार हालांकि एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध किस में है दोस्तों, समांतर में है। तो अब समांतर में है तो समांतर का फार्मूला आप जानते हैं, तो इसे 1/ मान लीजिए, क्योंकि अभी फाइनल नहीं निकला, जब हमारा फाइनल निकलेगा तब हम 1/r मानेंगे, मैं अभी आपको फिर से समझाऊंगा। तो 1/r1 + 1/r2, तो r1 का मान 3 और r2 का मान 3, यहाँ पे जब हम लोग 3 LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 अर्थात 2/3। अब देखिए मैंने बताया था जब r" निकालना है अब आपको, तो अब इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/2, या फिर आप दे देंगे तो 1.2 और कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, पॉइंट बनाएंगे 2.2, तो ये आ जाएगा 1.5, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ओम में। अब मैं आपको बता दूं ये चित्र कैसा हो जाएगा, देखिए ये 2 ओम 2 ओम को हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारा चित्र एक ऐसे बन जाएगा, इसके बाद यहाँ पे जब ये जाएगा तो एक ऐसे बन जाएगा। अब इसका हमारे पास निकल के आया 1.5 और इसका निकल के आया हमारे पास 1 ओम। तो अब बताइए अब ये एक श्रेणी क्रम का बन गया, चित्र मैंने ऐसे ही बनाया था श्रेणी क्रम का, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग समांतर क्रम कैलकुलेट किए और यहाँ पर हम लोग श्रेणी क्रम कैलकुलेट किए, ये हमारा तार क्या है ए बी है, ठीक है। अब ए बी के बीच हमें प्रतिरोध निकालना था, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे 1 ओम तथा 1.5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे,
अतः तुल्य प्रतिरोध, ये आप लिखेंगे। तब अब लास्ट में देखिए फाइनल आंसर निकल रहा है, इसलिए इसे मान लेंगे R, और ये कितना हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, ये हमें निकालना। तो 1 प्लस 1.5 अर्थात आ जाएगा 2.5 ओम। तो फाइनल इसका जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा 2.5 ओम। अब देखिए मैं आपको इसी चित्र के अकॉर्डिंग तुरंत समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग ना रह जाए। मेरे पढ़ाने का मीन्स ये है यार कि आपको अंदर कोई भी कन्फ्यूजिंग ना रहे, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया था और बोला जा रहा था कि ए व बी के बीच में हमें ए व बी के बीच में हमें वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब एक तार को अलग अलग किया जा सकता है, इसे और अलग किया जा सकता था, एक बीच से भी और तार ले आया जा सकता था, तो जब खंडसा हो जाता है ऊपर नीचे, वो हमारा समांतर क्रम होता है। जब एक ही लाइन पर हम लोग बात करते हैं तो समान श्रेणी क्रम हो जाता है। देखिए जब 2 ओम और 2 ओम को हम समांतर क्रम में कैलकुलेट कर लेंगे तो तार चिपक जाएगा, ये जो तार है ना ये एक दूसरे में सिमट के चिपक के एक बन जाएगा। तो सपोज करो ये यहाँ पे चिपक गया, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तार को कुल मिला के एक बनाना है हमें, जो अलग अलग है उसको ऐड करना है। तो अभी तीन तीन ये भी देखिए समांतर में है, क्योंकि एक तार है दो भागों में डिवाइड किया गया है ऊपर नीचे है, इसलिए समांतर क्रम में होगा। तो तीन तीन को समांतर में जोड़ लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब ये एक श्रेणी फॉर्मेट बन जाएगा, तो हम लोग इसे श्रेणी में निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा गया है चित्र में ए व बी के बीच, किसके ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हमें ए और बी पहले देखना है। देखिए ए व बी यहाँ पे दिया गया है, ये तार हमारा सिमटा हुआ है और एक ऐसे तार लगा हुआ है, इस प्रकार से इसमें कई तारों से ये एक परिपथ बनाया गया है मिला करके, और इसमें अलग अलग प्रतिरोध रखे गए हैं। तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है देखिए समझिएगा। जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो बॉक्स टाइप दिए होते हैं ना बॉक्स, उनको पहले सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें एक बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया है सबसे पहले हम इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग हमें हमेशा बॉक्स से करनी होती है, ठीक है। तो देखिए बॉक्स से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो कैसे स्टार्टिंग होगी यहां पे देख सकते हैं, यहां पे इसमें क्या होगा 5 ओम। अब ये बताइए मुझे ये क्या एक तार है, तो ये अलग अलग हुआ है, अलग अलग नहीं हुआ। देखिए एक तार ऐसे गया है, वही तार ऐसे घूम के आ गया है, बट एक तार दो भागों में नहीं डिवाइड हुआ। अगर ये ऐसे होता, एक तार ऐसे गया होता, फिर इसी तार को हम लोग डिवाइड कर देते ऐसे ऐसे, फिर इसी तार को हम लोग डिवाइड कर देते ऐसे ऐसे, तो ये एक तार दो भागों में डिवाइड होकर एक इधर फिर बन जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक ही तार है, देखिए एक ही तार में दो प्रतिरोध लगाए गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 5 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। क्यों श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि तार एक ही है, अगर तार एक है तो हमेशा श्रेणी क्रम, अगर तार एक तार को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो हमेशा समांतर क्रम। तो 5 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, ये जरूर आप लिख देंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध, ठीक। तो यहाँ पे ये 5 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम में होंगे, तो R डैश सबसे पहले मान लेंगे क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है, तो ये R डैश बराबर होगा R1 प्लस R2, क्योंकि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जितने जुड़े होते हैं उतने ही बार हमें R1 प्लस R2, अगर यहाँ तीन जुड़े होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करते, अगर पाँच जुड़े होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 करते, 4 R5 जितने भी जुड़े हों सबको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो R डैश बराबर हो जाएगा 5 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 10 ओम। तो R डैश हमारे पास निकल के आ गया 10 ओम। अब मुझे आप एक बात ये बताइए, जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तार क्या होगा चिपक के आ जाएगा। तो जब ये तार चिपक के आ जाएगा ना, तो देखिए इसकी आकृति क्या हो जाएगी, ऐसे बना है तो इसकी आकृति हो जाएगी कि ये तार आपस में जब चिपकेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सपोज ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक तार लगा हुआ है 5 ओम का, और यहाँ पे एक हमने अभी भी निकाल लिया 10 ओम का, तो अब ये कै में हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। एक ट्रिक मैं बाद में आपको बताऊंगा, देखिए जब चिपकेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये दोनों तार आपस में चिपक जाएंगे तो ऐसा तार बन जाएगा। जब ऐसा तार बन जाएगा तो ये 10 ओम था और ये नीचे 5 लगा हुआ है, तो अब ये कै में हो जाएंगे समांतर में। तो आप लिखेंगे 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध किस पर होंगे, समांतर में होंगे अतः तुल्य प्रतिरोध
तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, देखिए अब यहाँ पे हम लोग डबल डैश मानेंगे, कितना मानेंगे डबल डैश, तो ये फार्मूला बन जाएगा आर डैश, क्योंकि आर डैश का मान कितना है 10, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आर टू, ठीक है। आर वन मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर वन आर टू अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आर वन आर टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 और 5 आपके कह में थे, सॉरी समांतर क्रम में थे, ये श्रेणी क्रम का फार्मूला मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे समांतर क्रम में थे तो हो जाएगा आर डबल डैश बराबर 1/r + 1/r, इसको डैश मान सकते हैं, इसको आर टू मान सकते हैं, ठीक। तो 1/r बराबर 1/r, तो आप 1/r यानी कि 10, आर डैश डैश है तो 1/10 + 1/5, एक 5 ओम का था और एक 10 ओम का था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3/2, वो सॉरी 3/10। अब यहाँ पे 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/10। अब हमें आर डबल डैश निकालना है खाली, तो हम लोग इसे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 10/3, तो ये निकल के आ गया अपने पास आर डबल डैश। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व हुआ, देखिए हमारा जो चित्र था सबसे पहले हमें इसे जब श्रेणी में जोड़ दिया तो इस प्रकार का प्राप्त हो गया, इसके बाद जब हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये आपस में चिपक गए, तो एक ऐसे तार बन गया, ये एक ऐसे तार बन गया, और कितने का तार बना 10/3 प्रतिरोध ओम का, तो ये 10/3 ओम का एक प्रतिरोध बन गया। अब यहाँ पर बताइए मुझे, एक ऐसे तार है और एक ऐसे सीधे सीधे एक तार है, एक ऐसे तार है, तो अभी एक ही तार बना ना, ये टोटल एक तार बन गया। तो जब ये टोटल एक तार बन गया मेरे भाइयों, तो जब मैंने बताया था कि एक तार जो होता है वो कैसे में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, तो अब यहां पे आप लिखेंगे कि 10/3, क्या लिखेंगे 10/3 तथा 5 ओम, 10/3 तथा 5 ओम, पाँच ओम। देखिए अब यहाँ पे हमारा टोटल कितना निकल के आ गया 10/3, अब यहाँ पे हमारा कितना लगा है 5 और यहाँ पे लगा है 5, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे 10 ओम निकल के आ गया, यहाँ पे लगा है 5, यहाँ पे लगा है 5, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 ओम व 5 ओम काय में होंगे दोस्तों, अब एक ही तार है तो ये श्रेणी में होंगे, श्रेणी में होंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध, तो अतः तुल्य प्रतिरोध अब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, इसलिए हम इसे आर मान लेंगे। तो अब ये श्रेणी में है इसलिए हम इनको मानेंगे R1 + R2 + R3 या R डबल डैश, आर डबल डैश का मान यहाँ पे निकाला था इसलिए हम इसे आर डबल डैश लेट कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 5 + 5 + 10/3, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो जब देखिए इसका जो है भाग दिया जाता है इसके बटे वाले से, तो जब हम इसका भाग देंगे इसके बटे वाले से तो कितना आ जाएगा 3, जितना आंसर आता है उतना गुणा किया जाता है, तो यहाँ पे हमने इसका भाग दिया तो 3 * 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 * 3 = 15, फिर ये भी हो जाएगा 5 * 3 = 15, फिर ये हो जाएगा प्लस में 10, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा होगा 10 ही लिख देंगे, 15 * 15 = 30 = 30 + 10 = 40, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 40/3। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि ये 40/3 कैसे आ गया, और बहुत ही अच्छा सवाल था, और आपके एग्जाम पर ये सवाल 2 बार रिपीटेड है, खुशी की बात ये है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क में आया था, आपके एग्जाम पर कितने मार्क में आया था, 5 मार्क्स में आया था। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको देखने को मिलती रहे। तो बस दोस्तों आज के